हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे मोर्टगेज लोन यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। आज के वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जो हम एज अ कंसल्टेंट यूज करते हैं और जिसका फायदा हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को होता है। आज आप जानेंगे कि आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एग्जैक्टली कितनी अमाउंट की लोन मिल सकती है, मोर्टगेज लोन एक्चुअली है क्या, इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट्स क्या आता है और ऐसी ढेर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग ये वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो के आखिर में मैं आपको मोर्टगेज लोन से जुड़ी दो अमेजिंग टिप्स भी दूंगा जिसे जानकर आपको होगा बहुत 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 ज़्यादा फायदा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम केविन है और ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप की लोन्स के बारे में, लोन से जुड़ी सब्सिडीज के बारे में और बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली मिलती रहे। मोर्टगेज लोन यानी कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको जो लोन देती है उसको मोर्टगेज लोन कहते हैं। अगर आप कोई नया मकान खरीदने जा रहे हो तो वो लोन को हम लोग बोलते हैं होम लोन। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आप बैंक को दोगे और उसके सामने आप बैंक से लोन लोगे तो उसको बोलते हैं मोर्टगेज लोन। ऐसे दो पैरामीटर्स हैं जिन्हें चेक करके बैंक ये डिसाइड करती है कि आपको मोर्टगेज लोन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या अगर मिलनी चाहिए तो कितनी अमाउंट की मिलनी चाहिए। इसमें से सबसे पहला पैरामीटर है आपकी प्रॉपर्टी और उसकी मार्केट वैल्यू, और दूसरा पैरामीटर है आपकी इनकम यानी कि आपकी आय। ये दो पैरामीटर को बैंक क्लोजली एनालाइज करती है और ये डिसाइड करती है कि आपको कितनी मोर्टगेज लोन मिलनी चाहिए। इन दो पैरामीटर को हम लोग अभी वन बाय वन इवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जनरली चार टाइप की प्रॉपर्टी होती है मोटा मोटा देखा जाए तो। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि आपका घर। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि आपकी शॉप या आपकी दुकान। तीसरी प्रॉपर्टी आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी कि आपकी फैक्ट्री। और चौथी प्रॉपर्टी आती है ओपन प्लॉट यानी कि खुला प्लॉट। ये चार मेनली प्रॉपर्टीज है कि जिनके अगेंस्ट में बैंक आपको लोन देती है। अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो भी पिक्चर में आता है जिसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो एक्चुअली है क्या। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है और उसके सामने बैंक अगर आपको 50 लाख की लोन देती है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो बैंक का लोन टू वैल्यू रेशियो 50% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप का LTV यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो लगता है। जैसे कि अगर आपके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो उसमें करीबन बैंक 65% के आसपास आपको LTV लगाती है यानी कि अगर आप 1 करोड़ की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बैंक में दोगे तो बैंक आपको उसके सामने 65 लाख रुपए देगी। अगर आपके पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बैंक 55% का LTV लगाती है मोटा मोटा, यानी कि 1 करोड़ की दुकान आप बैंक को दोगे तो 55 लाख की टेंटेटिवली बैंक आपको लोन देगी। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है उसे आप मोर्टगेज करते हो तो उसमें बैंक टेंटेटिवली 50% के आसपास LTV लगाती है, और अगर आप कोई ओपन प्लॉट दोगे बैंक को तो उसमें LTV यानी कि लोन टू वैल्यू रहता है 40%। अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप का लोन टू वैल्यू रेशियो लगता है। इसमें और भी एक सब पैरामीटर्स भी आता है कि वो प्रॉपर्टी आप खुद रह रहे हो यानी कि वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप बैंक को दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपना मकान बैंक को दे रहे हो तो वो मकान में आप खुद रह रहे हो यानी कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अलग LTV लगेगा। अगर वो मकान वेकेंट है यानी कि खाली है तो अलग उसमें LTV लगेगा, और अगर वो मकान रेंटेड है, अगर उसमें वो मकान आपने भाड़े पे दिया हुआ है तो भी अलग अलग उसमें भी सब पैरामीटर्स में थोड़ा 5% का वेरिएशन रहता है। तो ये LTV बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मोर्टगेज लोन की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। दूसरा पैरामीटर है आपकी इनकम यानी कि आपकी आय कितनी है, वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मोर्टगेज लोन के लिए। बैंक आपकी इनकम को डिसाइड करने के लिए, आपकी इनकम को नक्की करने के लिए बैंक के पास 3 अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोग्राम है नॉर्मल इनकम प्रोग्राम, दूसरा आता है लिक्विड इनकम प्रोग्राम और तीसरा आता है नो इनकम प्रोग्राम। इसमें ये तीनों प्रोग्राम की डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन हमारे होम लोन का जो वीडियो है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की गई है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में देखना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम लोग देखे कि इन तीनों प्रोग्राम में से कोई एक प्रोग्राम चूज करके बैंक आपकी इनकम डिसाइड करती है और आपकी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होगी उसके सामने बैंक उसमें LTV लोन टू वैल्यू रेशियो लगा के कोई अमाउंट फिक्स करेगी और सामने बैंक आपकी इनकम भी देखेगी। इन दोनों पैरामीटर को अच्छे से देखने के बाद बैंक ये डिसाइड करती है कि आपको एग्जैक्ट कितनी अमाउंट की मोर्टगेज लोन मिलनी चाहिए। यहाँ पर दोनों जो पैरामीटर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन मेरी कोई इनकम ही नहीं है, आप मेरे को मोर्टगेज लोन दो, तो बैंक मोर्टगेज लोन नहीं देगी क्योंकि इनकम भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरा तो बहुत अच्छे रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ, मेरे रिटर्न बहुत अच्छे में, रिटर्न में मेरी इनकम बहुत अच्छी है लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत कम मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वाली है, उसमें आप मेरे को ज़्यादा अमाउंट की लोन दो तो बैंक नहीं देगी। ये दोनों पैरामीटर्स को अच्छे से उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। बैंक ये देखती है कि आपकी प्रॉपर्टी जो दे रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आएगी और बैंक ये भी देखती है कि आपकी एक्चुअल इनकम क्या है। इन दोनों चीज़ों को और भी कुछ पैरामीटर्स है जिसको बैंक देखती है, जैसे कि आपकी पास्ट की लोन का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आपने कोई पास्ट में लोन ले रखी है उसमें अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है, उसमें आपके EMIs बाउंसिस हो रहे हैं तो भी बैंक आपको लोन नहीं देगी। ऐसे कुछ और भी पैरामीटर्स को जोड़ के बैंक फाइनल आपकी मोर्टगेज लोन की अमाउंट डिसाइड करती है। और एक बात, अगर ये वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिएगा। सवाल चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको लोन से जुड़ी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका हम अच्छे से सॉल्यूशन दें। अब मैं आपको मोर्टगेज लोन से जुड़ी 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं। सबसे पहली टिप ये है कि मोर्टगेज लोन में एंड यूज, आप क्यों पैसे ले रहे हो, क्यों लोन ले रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप बैंक में मोर्टगेज लोन पुटअप करोगे, जैसे ही आप बैंक में अपनी मोर्टगेज लोन लेने जाओगे, आपकी फाइल लॉगिन होगी, फिर क्या होगा, बैंक का क्रेडिट मैनेजर आपकी जो प्लेस होगी, जो आपकी बिजनेस प्लेस होगी, वहां पर विजिट करने आएगा और आपको पूछेगा कि आपको मोर्टगेज लोन क्यों चाहिए। अगर ये सवाल के जवाब में अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपकी मोर्टगेज लोन इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दी जाएगी। जैसे कि आपको बैंक के क्रेडिट मैनेजर ने आपको पूछा कि आपको पैसे क्यों चाहिए और आपने बोला कि मेरे को जो पैसे है वो मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी इंस्टेंटली। अगर आप बोलो कि मेरे को जो पैसे मिल रहे हैं उसको मैं लूंगा और मेरे को अलग बिजनेस में कुछ स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं अपना ये जो पैसा है उसको बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करना चाहता हूं, तो भी आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। बैंक मैनेजर, ये बैंक का जो क्रेडिट मैनेजर है वो ये चाहता है कि आप जो पैसे बैंक के थ्रू लो वो ऐसे पर्पस के लिए लो कि जैसे आप जिसमें आपका बिजनेस का ग्रोथ हो या तो फिर आपका कोई पर्सनल यूज हो, जैसे कि आपके चाइल्ड की एजुकेशन, जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन अचानक आ गया आपकी फैमिली में उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, जैसे कि आपको अपना बिजनेस का ग्रोथ करना है, ऐसे बिजनेस रिलेटेड या कुछ पर्सनल रिलेटेड कुछ भी आपका एंड यूज होगा तो बैंक आपको मोर्टगेज लोन देगी है। तो एंड यूज, आपको पैसे मोर्टगेज लोन में क्यों चाहिए वो क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ये रही टिप नंबर 1। और टिप नंबर 2 ये है कि कंपेयर मल्टीपल बैंक्स, यानी कि आप कोई एक बैंक के ऊपर दारोमदार ना रखें। जनरली क्या होता है कि आज के समय में बहुत सारी बैंक्स अवेलेबल है, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs, जहां पर आपकी मोर्टगेज लोन होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, जहां पर अपना अकाउंट होता है वहां पर जाके हम लोग बोलते हैं कि मेरे को मोर्टगेज लोन चाहिए और 1 से 2 मैक्सिमम कोटेशन निकलवाते हैं और मोर्टगेज लोन ले लेते हैं। ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमें मिनिमम 5-1 बैंक के पास से अपनी मोर्टगेज लोन का कोटेशंस निकलवाना चाहिए क्योंकि हर एक बैंक अलग अलग है, हर एक बैंक की प्रोडक्ट्स अलग अलग है, हर एक बैंक का जो फोकस्ड एरिया है वो अलग अलग है, तो आपकी प्रोफाइल के अनुसार आपको शायद पता ना हो कि आपके लिए कौन सी बैंक सूटेबल रहेगी। तो आप थोड़ा होमवर्क करिए, आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए कि आपकी प्रोफाइल के अनुसार कौन सी बैंक आपको अच्छे से लोन दे पाएगी। मिनिमम मेरे हिसाब से आपको 5 बैंक के पास से कोटेशंस निकलवाने चाहिए।
तो ये दोनों टिप को आप अपने दिमाग में रखिएगा और जब भी आपको मॉर्गेज लोन की जरूरत हो इन टिप्स को यूज करिएगा। अब हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मॉर्गेज लोन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में सेलर आईडी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि अगर आप नौकरी करते हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो भी अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों कैटेगरी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका लिस्ट दिया है, आप उसे अच्छे से देखिएगा। अगर उसमें आपको कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको उसकी जो इश्यू होंगे वो क्लेरिफाई कर देंगे। और एक चीज़ इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में इंपॉर्टेंट है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके ही बैंक में लोन के लिए पुटअप करिएगा अपनी फाइल को, क्योंकि कभी कभी क्या हम लोगों ने देखा है कि लोग 30-40% डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं और लोन लेने के लिए चले जाते हैं, तो फिर क्या रहता है बैंक उसमें क्वेरी निकालती है, बोलती कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, और वो डॉक्यूमेंट फिर से वो इकट्ठा करता है, उसमें उसके वो दौरान 15-20 दिन का टाइम निकल जाता है। तो आपको क्या रहेगा कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठे किए और बैंक में मॉर्गेज लोन के लिए आपने अपनी फाइल पुटअप की, तो आपको लोन मिलने की जो टाइम होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे अच्छे से समझिएगा। कोई भी लोन लेने से पहले आपको किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है उसको लेकर के हम लोगों ने एक और भी वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है, आप उसे भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये 5 चीज़ें ऐसी है जिसे जनरली लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर करना आगे जाके बहुत ही भारी पड़ सकता है। तो आपको अगर मॉर्गेज लोन लेनी हो या कोई भी लोन क्यों ना लेनी हो, ये वीडियो को आप अच्छे से 15-20 मिनट का टाइम निकाल के अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपको लोन लेते टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी हर एक लाइक हमें मोटिवेट करेगी आपको कुछ अच्छा देने के लिए। ये वीडियो को शेयर करें, और आपके कुछ भी सुझाव हो, कुछ भी कमेंट हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई और टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय।